तो हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन इन फोबी इंजीनियर्स। आज एक नया अपडेट आया है जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये अपडेट जो है BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की तरफ से ये रिक्रूटमेंट निकला है, BTEC वालों के लिए है। तो पूरी डिटेल में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल फोबी इंजीनियर्स को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए। गाइज, यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में ही आपको एक चीज और बता दे रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पे एक्सपीरियंस थोड़ा सा मांगा जा रहा है आपसे, तो जिनके पास एक्सपीरियंस है ठीक है पर्टिकुलर फील्ड में, और पर्टिकुलर का है तो बहुत सारे फील्ड में यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा, तो ये आप आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप वीडियो यहाँ पे लीव करके जा सकते हैं, बट हमारी मेहनत के लिए एक लाइक करके जरूर जाना वीडियो को, ताकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है गाइज, और मैं कोशिश करता हूँ और भी अच्छे अच्छे अपडेट आप तक लाता रहूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो साहिल, हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गए हैं इसके, भारत इलेक्ट्रॉनिक का आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हो। इनकी वेबसाइट पर भी जाओ तो आपको डायरेक्ट दिख जाएगा, और मैं लिंक वगैरह दे दूंगा, अप्लाई का लिंक दे दूंगा इनकी वेबसाइट का, और ये नोटिफिकेशन का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप क्लिक करके चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जो पोस्ट निकला है आप देख सकते हो, प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग इंजीनियर की पोस्ट है, BBTEC सिविल वालों के लिए 18 पोस्ट है, BBTEC इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 11 पोस्ट है, और BBTEC मैकेनिकल वालों के लिए 8 पोस्ट है। यहाँ पे मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 2 साल का मांग रहा है, यही थोड़ा सा गड़बड़ है, बाकी तो रिक्रूटमेंट काफी, और वैसे भी BEL आजकल बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काफी रिक्रूटमेंट निकाल रही है, और जो है पीरियड ऑफ 2 ईयर देखिए, और ये एक्सटेंडेबल भी है, मोर देन 2 मोर ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से 2 साल का पहले आपको रखा जाएगा, 2 साल बाद फिर 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा, वो आपके काम पर निर्भर करता है। तो आजकल जितनी भी प्राइवेट इस तरीके की नवरत्न या फिर ये जो कंपनी है आजकल यही करने लगी है, जो डायरेक्ट इंटरव्यू बेस पे जो एक्सपीरियंस वालों को लेती है आजकल ऐसे ही करने लगी है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ही गलत है गाइज, ये होना नहीं चाहिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। भाई बताओ, 4 साल के लिए फिर मुझे नहीं मिला, उसके बाद तो फिर मैं भटकता रह जाऊंगा, है ना। ये चीज बहुत गलत है, तो बायकॉट बायकॉट चल रहा है इसमें, इसको भी डाल दिया करो यहाँ पे, ये कॉन्ट्रैक्ट वाले सिस्टम को भी हटाना चाहिए। देना है तो परमानेंट दो, परमानेंट इन द सेंस काम के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं 2 साल बाद भगा देंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत है। उसके बाद आप देख सकते हो रिजर्वेशन वगैरह भी यहाँ दे रखा गया, जैसे कि 18 में से 14 जनरल वालों के लिए, टोटल में से 5 EWS को, OBC के 10 SC को, 5 ST को 3, और यहाँ पे सैलरी भी आप देख सकते हो, पहले साल की सैलरी 35,000 होगा, दूसरे साल की सैलरी 40,000, तीसरे साल अगर जाओगे तो 45,000, और चौथे साल जाओगे तो 50,000 आपकी सैलरी पर मंथ रहेगी। उसके बाद लगभग 10,000 का अलाउंसेस भी आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलने को मिलेगा, ठीक है, ये भी चीज अच्छी बताया गया है। पोस्टिंग की जो है, गांधीनगर में आपको पोस्टिंग मुंबई महाराष्ट्र में हो सकता है, न्यू मैंगलोर, कोची, चेन्नई, वाइजैग, हीराकुंड, कोलकाता, कवरत्ती, अमिनी, लक्षद्वीप, कैंपल बे, न्यू दिल्ली, ये सब लोकेशन है, यहाँ पे कहीं भी पोस्टिंग आपकी हो सकती है। एज लिमिट भी आप यहाँ पे देख सकते हो, अपर एज लिमिट 28 साल से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए, पहली चीज। उसके बाद आपको रिलैक्सेशन ओबीसी एसटी जनरल वालों को मिलेगा, नॉट जनरल, बाकी इन लोग को 3 साल 5 साल 10 साल आप जानते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो BBTEC में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों के लिए निकली हुई है। सिलेक्शन किस तरीके से होगा, सिलेक्शन की बात करें तो कैंडिडेट शुड मीट द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया एज स्पेसिफाइड इन द एडवर्टाइजमेंट एंड देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन शुड बी एक्सेप्टेड। तो जो ये 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और BBTEC जो मांगा गया है, ये सब देखकर जो अगर आप ये एडवर्टीजमेंट के अकॉर्डिंग उनके जॉब जो जो उन्होंने चीजें मांगा है उसके अकॉर्डिंग फिट हो, तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। एक्सेप्ट करने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, आपके मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग, आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, देखो 75% मार्क विल बी अलॉटेड फॉर एग्रीगेट मार्क स्कोर इन BBTEC, और 10% जो आपका होगा एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग लिया जाएगा, तो 85% हो गया, बचा 15% जो है वो इंटरव्यू बेस पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये अच्छी चीज है। लास्ट डेट जो इसका अप्लाई करने का है वो 27/9/2020, तो जो भी इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट है वो इससे पहले जरूर अप्लाई कर लें। उसके बाद आगे की बात किया जाए, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और बात कर लेते हैं हम। मिनिमम अच्छा, एक्सपीरियंस किस फील्ड में मांगा गया ये भी मैं बता देता हूँ। जैसे सिविल में हो तो अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट में लाइक AC, IBPS, नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन वर्क स्टेशन, फायर फाइटिंग सिस्टम, इंटीरियर में इसमें है आपका एक्सपीरियंस, पर अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट सेल प्रोसेस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, गुड नॉलेज एंड एक्सपोर्ट टू CPWD, MES, PWD, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मेथड, प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन, ये सब में अगर आपका फील्ड है तो आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं इनके लिए। इलेक्ट्रिकल की बात करें तो आप देख सकते हैं HV, MV सब स्टेशन के लिए, ECVC,
ये सब में आपका है तो ऑटो कैड वगैरह ये सब में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हो यहाँ पे कि प्लानिंग में, डिजाइन में, इंजीनियरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इक्विपमेंट स्पेसिफिकेशन, प्रिपेयर इलेक्ट्रिकल, ये सब में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही मैकेनिकल वालों की बात करें तो मैकेनिकल डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन में, कंट्रोल सिस्टम में, हाइड्रोलिक एंड पंप में एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस सब के लिए। क्लियर है? अब यहाँ पे अप्लाई करना कैसे है, ₹500 पहली चीज तो आपका लगेगा, ₹500 एप्लीकेशन फॉर्म ओबीसी एससी जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों का ₹500 लगेगा फॉर्म भरने का, और बाकी सबके लिए तो फ्री है। अप्लाई करना कैसे, मैं लिंक दे दूंगा, डायरेक्ट आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डिटेल के लिए नोटिफिकेशन को आप जरूर विजिट करें। तो आशा करता हूँ गाइस आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कहीं पे दिक्कत वगैरह आगा तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो और इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो, उस पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। मैं इंस्टाग्राम पे थोड़ा ज्यादा एक्टिव रहता हूँ तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा रिप्लाई मिलेगा। चलिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।